हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू माय चैनल द स्टूडेंट। माय नेम इज सईद फरमान एंड आई एम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की फिजिक्स। ठीक है, तो वर्क एंड एनर्जी पा जो चैप्टर है वो चल रहा है। लास्ट लेक्चर में हमने वर्क के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो वर्क के बारे में सिंपल ये था कि वर्क की डेफिनेशन जो हम यूजुअल लाइफ में देते हैं वो डिफरेंट है एंड साइंटिफिक डेफिनेशन डिफरेंट है। होप करता हूँ समझ में आ गया होगा, नहीं आ गया होगा तो कमेंट पे आप लिख सकते हैं, मैं वो फिर से पढ़ा सकता हूँ। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो आज है हमारा एनर्जी। ठीक है, एनर्जी आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है, एनर्जी रहेगा हमारा आज का टॉपिक। ठीक है जी, तो एनर्जी की जो बातें हैं आपने बहुत बार सुनी होगी अपनी नॉर्मल लाइफ में, अपनी डेली लाइफ में। यहां पे भी एनर्जी को डिफरेंट वे में जो है डेफिनेशन दी जाती है, रियल लाइफ वाली और साइंटिफिक वाली। रियल लाइफ में जो अगर आप देखोगे तो सन जो है वो एक बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए, उसी से फोटोसिंथेसिस होती है, फूड प्रिपेयर किया जाता है प्लांट्स के थ्रू और वही फूड फिर हम खाते हैं, वही एनर्जी हमारे लिए यूज हम करते हैं एंड हम उससे डिफरेंट फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप मतलब हम वे में एनर्जी लेते हैं अपनी डेली लाइफ में। सपोज आपकी टेक्स्ट में कुछ एग्जाम्पल्स दी गई है जिससे आपको ये समझाया जाता है कि मतलब क्या है एनर्जी। मैं वही एग्जाम्पल इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि जब आप टेक्स्ट पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये एग्जाम्पल मैंने सुनी थी, मैं इससे फेमिलियर हूं, तो आपको वो बेटर लगेगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीज है। सपोज आपने एक बॉल हाथ में उठाई, ठीक है, एक बॉल आपने हाथ में उठाई और उसको फेंका विद सम स्पीड, आपने उसको थ्रो किया। तो पहले जब बॉल नीचे थी, ग्राउंड पे थी, तो वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। ठीक है, लेकिन जब आपने बॉल को फेंका तो ये कुछ भी कर सकती है। सपोज अगर ये विकेट पे लगी तो विकेट को ये जो है विकेट की बाउंस गिर सकती है। ठीक है, या अगर ये किसी के सर पे लगी उसका सर फोड़ सकती है। ठीक है, इसी तरह सपोज आपने कोई पत्थर जो है, कोई स्टोन या ब्रिक आपने उठाई और अपने छत पर ले ली। ठीक है, अगर आप छत से उसको गिराएंगे तो नीचे ये कुछ भी कर सकती है। मैं एग्जाम्पल्स जो है आपकी टेक्स्ट की यूज कर रहा हूँ, एग्जाम्पल्स को आप समझिए थोड़ा सा, मैं उसको कंक्लूजन बताऊंगा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये। सपोज अगर आपने बॉल को फेंका तो बॉल में अब कोई कैपेबिलिटी आ गई, कोई चीज बॉल में आ गई, कोई प्रॉपर्टी आ गई जिससे वो कुछ कर सकती है। ठीक है, इसी तरह अगर आपने ब्रिक को अपने ग्राउंड से अपने फ्लोर पे ले लिया, ठीक है, स्लैब पे ले लिया अपनी, और वहां से अगर वो गिर गई तो वो भी कुछ कर सकती है। अगर किसी बंदे पे गिर गई, किसी आदमी पे गिर गई तो चला जाएगा वो, नहीं हॉस्पिटल चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि लगेगी ना सर को। तो क्या है कि ये जो कैपेबिलिटी आ जाती है, ठीक है, आपने कुछ किया उससे एक प्रॉपर्टी उसमें जनरेट होगी, उसमें कुछ कैपेबिलिटी आ गई कुछ करने की। ठीक, ये आपको यहां पे अंडरस्टैंड करना है। इसी तरह सपोज आपने आपको एक कील जो है, कील आपको कील किसी वुड में लगा देना है, तो आपने कील रखा है वुड पे और आपने उसमें हैमर रखा, तो कुछ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जब तक आप हैमर को उठा के ऐसे नहीं मारोगे तब तक उसमें चेंज नहीं आएगी, कील वही रहेगा, उसी पर रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके टेक्स्ट ने दिए हैं। ठीक, बैलून को आप प्रेस करोगे चेंज शेप हो जाएगी। ठीक है, या ज्यादा करोगे तो उसमें फट भी सकता है वो। तो ये जो एक कैपेबिलिटी होती है ना वर्क करने, ये वर्क करने की कैपेबिलिटी आ जाती है बॉडी में। ठीक है, जब किसी बॉडी में वर्क करने की कैपेबिलिटी आ जाती है उसको हम बोलते हैं कि इसमें एनर्जी है। साइंटिफिकली आप इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि अगर किसी बॉडी में कोई वर्क करने की कैपेबिलिटी आ जाती है, हम बोलते हैं कि उस बॉडी में एनर्जी है, वो बॉडी एनर्जी पोजेस कर रही है। ठीक है, समझ लें, सपोज आपने बॉल को फेंका, अब बॉल में क्या हुआ, बॉल में वर्क करने की कैपेबिलिटी आ गई। ठीक है, वो किसी ऑब्जेक्ट पे लग सकती है, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उस पर फोर्स लगे, उसने डिस्टेंस ट्रेवल की, उसने वर्क की, तो अब इस किस पे ये किस में आ गई थी ये वर्क करने की कैपेबिलिटी, बॉल में आ गई थी। ये जो बॉल में वर्क करने की कैपेबिलिटी है उसको हम बोलते हैं कि इसमें एनर्जी है। ठीक है ना, इस तरीके से साइंटिफिक वे में एनर्जी को डिफाइन किया जाता है। द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क, ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट वर्क करता है वो लूज करता है एनर्जी। सिंपल सी चीज है यार, मैं समझाऊंगा। सपोज आपने बॉल को ले लिया, ठीक है, उसको थ्रो किया, ठीक, बॉल विकेट पे लगी, तो उसके बाद बॉल का क्या होगा वो बोलो आप। बॉल का क्या होता है, बॉल आके गिरेगी और आफ्टर सम टाइम स्टॉप हो जाएगी। मतलब बॉल पे जो एनर्जी थी उसने वर्क की, तो उसने विकेट को गिरा दिया, तो जब उसने वर्क की तो उसने अपनी एनर्जी लूज की, और विकेट को क्या था, विकेट तो स्टे नहीं था ना, लेकिन विकेट में अब कुछ मोशन आ गई, विकेट थ्रो हुआ, थोड़ा दूर थ्रो हुआ, तो वो वाली वर्क विकेट ने ले ली क्योंकि उस पर वर्क हुआ। ठीक है, उस पर एनर्जी ट्रांसफर हो गई तो उसने वर्क की। यहां पे मैं ये बताना चाहता हूं कि जो ऑब्जेक्ट
वर्क करता है, ठीक है, वो एनर्जी को लॉस करता है, एनर्जी को लूज करता है, एंड जिस ऑब्जेक्ट पे वर्क होती है वो एनर्जी को गेन करता है। ये भी एक सिंपल सी चीज है, यहाँ पे एनर्जी है, एनर्जी क्रिएट नहीं की जाती, ठीक है, नहीं डिस्ट्रॉय की जाती है, एनर्जी को हम ट्रांसफर करते हैं, हम एक चीज से दूसरी जगह दूसरी चीज में ट्रांसफर कर देते हैं। तो एनर्जी की क्या डेफिनेशन है, किस तरीके से आप डिफाइन करोगे, एनी ऑब्जेक्ट दैट इज एबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट दैट हैज कैपेबिलिटी दैट हैज एबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू पोजेस एनर्जी, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं उसको साइंटिफिक वे में, ठीक, ठीक है, ठीक है, सिंपल है। दिस इंप्लाइज दैट एनी ऑब्जेक्ट दैट पोजेस एनर्जी कैन डू वर्क, ठीक है, जिस भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी होगी वो वर्क कर सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हैमर को उठाते हैं, हम उसको एनर्जी देते हैं, काइनेटिक एनर्जी देते हैं और उसको कील पे लगा देते हैं, तो कील में एनर्जी ट्रांसफर होती है, कील नीचे चला जाता है, ठीक है, और हैमर स्टॉप हो जाता है। तो वही वहां पर एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, वहां पर काइनेटिक एनर्जी यूज करते हैं, ठीक है, सिंपल है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। अब एनर्जी को आप कैसे मेजर करोगे, आपको आपने बोला कि एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी है किसी बॉडी में, हमें समझ में आ गया एनर्जी है कि नहीं है। अब लेकिन मुझे बोलो एनर्जी कैसे मेजर करेंगे, तो एनर्जी होगा आपका कैपेसिटी टू डू वर्क, कितनी कैपेसिटी आप वर्क करने की, लेकिन इसको तो मेजर नहीं कर सकते ना, मैं बोलूंगा मेरे पास कितनी कैपेसिटी है, कोई यूनिट तो होना चाहिए ना उसके लिए, हाँ, तो इसके लिए भी वही यूनिट है, कौन सा, जो हमने वर्क के लिए दिया था, जूल वाला यूनिट हम यूज करते हैं एनर्जी के लिए भी। सपोज अगर आपके पास एक जूल से हम बोलते हैं इसके पास इसने एक जूल वर्क किया, क्या किया, एक जूल वर्क किया किसी चीज ने, मतलब इसके पास एक जूल एनर्जी था, कोई ऑब्जेक्ट है वो एक जूल वर्क कर पाया बस, ठीक है, मतलब उसके पास कितना कितनी एनर्जी थी, इसके पास एक जूल एनर्जी थी, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट है जो 1000, ठीक है, 1000 जूल वर्क किया किसी ने, 1000 जूल वर्क की, मतलब हम कहते हैं इसके पास 1 किलो जूल एनर्जी है, 1 किलो जूल मतलब 1000 जूल, ठीक, इस तरीके से हम वर्क को डिफाइन करते हैं उन्हीं यूनिट्स में जिसमें हमने वर्क को डिफाइन किया था। जूल सिंपल यूनिट है, किलो जूल बड़ा यूनिट है इसका, 1000 जूल्स, ठीक है, हाँ, तो सिंपल टॉपिक था, हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब एनर्जी तो है, अब मैं आपको पूछूंगा कि मुझे बोलो क्या जो हमने बॉल को थ्रो किया, ठीक है, एक तो वो है, सेकेंड चीज जो हमने ब्रिक को अपनी किसी हाइट पे ले लिया, मुझे बोलो क्या दोनों में सेम टाइप की एनर्जी आपको लगती है। ऑब्वियस बात है, अगर आप थोड़ा सा सोचिए तो आपको लगेगा नहीं कुछ डिफरेंट है, वो ऑब्जेक्ट चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट सिर्फ ऊपर ले रहे हैं, ठीक है, इसी वे पे हम एनर्जी को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक, सपोज काइनेटिक एनर्जी में डिवाइड करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में डिवाइड करते हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में फिर डिफरेंट वे में हम एक्सप्लेन करते हैं, सपोज हाइट आपने दे दी, स्प्रिंग को एक्सटेंड किया, ठीक, एटसेट्रा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी में सबसे पहले वाला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाला है, पहला टाइप जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक, काइनेटिक एनर्जी आपने बहुत बार सुना भी होगा, एक सिंपल सी टर्म है जो हम यूज करते हैं बहुत बार, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसकी कम है, ठीक है, सपोज देखो यूजुअली हम पढ़ते क्या है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और भी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी से यूजुअली हमें जो टॉक में दिया जाता है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ही होता है। एक छोटा सा टेबल दिया आपके टेक्स्ट में, आपने दिया है जेम्स प्रिस्कॉट जूल का, आप पढ़िएगा क्या लिखा है, ठीक है, आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, आपको ही खुद पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सिंपल टॉपिक है तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अब मैं आपसे पूछूंगा, एक ऑब्जेक्ट जो है चल रहा है, ठीक है, आपने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, क्या वो वर्क कर सकता है कि नहीं, ठीक है, अभी हमने एग्जाम्पल दी एक बॉल की जो हमने थ्रो की, क्या वो वर्क कर सकती है, हाँ बिल्कुल वर्क कर सकती है। तो अगर कोई चीज है, ठीक है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, ठीक है, वो मूव कर रहा है और उसमें एबिलिटी है कि वो वर्क करे, हम बोलते हैं कि वो पोजेस करता है काइनेटिक एनर्जी। समझो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक्स हम बोलते हैं मूविंग चीजों को, ठीक है, काइनेटिक्स मतलब जिसमें हम उन चीजों का डिस्कस करें जो मूव कर रहे हो, ठीक है, जो मोशन में हो। तो काइनेटिक एनर्जी वो वाली एनर्जी होती है जो एक ऑब्जेक्ट पोजेस करता है बिकॉज ऑफ इट्स वर्च्यू ऑफ मोशन, ठीक है, अपने जो चल रहा है जो उसकी मोशन है उसकी वजह से जो उसमें एनर्जी है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज आपके पास एक बुलेट है, ठीक है, बुलेट का क्या है, बुलेट इतनी छोटी है लेकिन जब आपने बुलेट को थ्रो किया,
ठीक है, जब तुम बुलेट को गन से छोड़ दिया उसके बाद वो किसी चीज को पर्स कर सकती है, तो वो उसमें वर्क करने की एबिलिटी जो है वो कहां से आ गई, वो उसमें जो मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी थी, उसी काइनेटिक एनर्जी से उसमें एबिलिटी आई कि वो वर्क करे, वही वर्क करके उसने किसी चीज को पर्स किया। ठीक है, सिंपल है, सिंपल वे में समझना है। सपोज अ फॉलिंग कोकोनट, अ स्पीडिंग कार, अ रोलिंग स्टोन, अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, फ्लोइंग वाटर, बॉलिंग ब्लोइंग एनर्जी, इन शॉर्ट काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। ठीक है, ड्यू टू इट्स मोशन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद द स्पीड। हाँ, ये सिंपल सी बात है ना, आपने किसी के सर पे बॉल मारी, ठीक है, सर पे ऐसे बॉल मारी, ऐसे सिंपल वे से, ठीक, कम स्पीड देके, फिर आपने ऐसे उठा के उसके सर पे मारी, तो सिंपल सी बात है, जिसमें आपने ज्यादा तेज थ्रो किया, जिसकी स्पीड ज्यादा है उससे ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है, उससे सर फट जाएगा, पहले वाले से थोड़ी सी चोट लग सकती है, दूसरे वाले से सीधे हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। ठीक है, तो डिपेंड करेगा ना कि कितनी स्पीड है, तो जितनी ज्यादा स्पीड है उतनी ज्यादा एनर्जी है, उतनी ज्यादा वर्क करने की कैपेबिलिटी है। समझ में आ रहा है, सिंपल चीज है, सिंपल वे में समझो, आपको लगेगा इजी है। ठीक है, हाँ, तो अब बोलो कि आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी ट्रांसफर होती है, कैसे ट्रांसफर होती है, हम कैसे देख सकते हैं, जितनी वर्क उसने की हम बोलते हैं कि उसमें इतनी काइनेटिक एनर्जी थी, जितनी उसने वर्क की, ठीक है, जितनी उस ऑब्जेक्ट ने जो मूव कर रहा था, जब उसने कोई वर्क किया, उसमें एबिलिटी है वर्क करने की, तो जैसे ही उसने कोई वर्क किया हम देखते हैं कि उसने कितना वर्क किया, कितना वर्क हो गया, हम कहते हैं कि इसमें इतनी एनर्जी थी, इसमें इतनी काइनेटिक एनर्जी थी। ठीक है, समझ में आ रहा है, आप कैसे नोट करेंगे कितनी काइनेटिक एनर्जी, हम कहते हैं काम करते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है, इसको कोई, इससे कोई वर्क करवाओ, ठीक है, कोई भी वर्क करवाओ, जो हमें करवानी है हमने वर्क करवाया इससे। ठीक है, हमने वर्क को मेजर किया, हमने लगा इसने 100 जूल वर्क किया, 100 जूल वर्क किया मतलब इसमें 100 जूल काइनेटिक एनर्जी थी, सिंपल है। ठीक, ऐसे हम करते हैं डिफाइन, ऐसे मेजर करते हैं वर्क को। हाँ, अब हम काम करते हैं, अब हम काइनेटिक एनर्जी को इक्वेशन के फॉर्म में मैथमेटिकल वे में एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी ये स्पीड है, उसकी उसका ये मास है, मुझे बोलो कितनी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, उसके लिए कोई फॉर्मूला होनी चाहिए ना, कोई वे होनी चाहिए एक्सप्लेन करने की, तो उसके लिए हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन निकालेंगे। सिंपल इक्वेशन है, हमने सब पढ़ लिया है ये, अब इक्वेशन निकालने भी उतना टफ नहीं होगा हमारे लिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा अच्छे से, बाकी आपको कॉपरेट करना है, बात पूछते हैं, चलो चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, ऑब्जेक्ट का मास m है, कोई भी सिंपल चीज है, एक ऑब्जेक्ट है, उसको थ्रो किया उसका, या आपने ऑब्जेक्ट आपके हाथ में है, उसका मास है m, ठीक, m कुछ भी हो सकता है, 1 kg, 2 kg, 100 ग्राम, 200 ग्राम, कुछ भी। ठीक, फिर क्या हुआ, हम मानते हैं जैसे ही आपने इस ऑब्जेक्ट को देखा, ठीक है, आपने ऐसे ऑब्जेक्ट को देखा, यहां पे ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसका मास m है और उसकी स्पीड u है, जैसे आपने देखा वो u से जा रहा था, उसकी स्पीड u थी और वो u स्पीड से जा रहा था। ठीक, हाँ, सिंपल है। हमने काम किया, हमने क्या किया, हमने उस ऑब्जेक्ट पे अब फोर्स अप्लाई किया, हमने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया, जो ऑब्जेक्ट था इसका मास था m और ये चल रहा था u स्पीड से, हमने क्या किया, हमने इस पे एक फोर्स अप्लाई किया, समझना क्या है, सिंपल है, हमने इस पे एक फोर्स अप्लाई किया। ठीक, अप्लाई किया तो उसको क्या हुआ, इसकी स्पीड हो गई v, क्या हो गई, v, और एक्सेलरेशन a हो गया, इसमें फोर्स अप्लाई किया, मास है तो एक्सेलरेशन आ जाएगी, एक्सेलरेशन आ गई तो इसकी स्पीड हो गई v, इसकी स्पीड हो गई v, समझने कुछ नहीं यार, एक ऑब्जेक्ट है, मास m है, वो चल रहा है स्पीड u से, हमने उसे फोर्स अप्लाई किया कि कुछ फोर्स अप्लाई किया, एफ फोर्स अप्लाई किया, उसे क्या हो गया, उसमें एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस हो गई, जिससे उसकी वेलोसिटी आ गई v, अब उसकी वेलोसिटी v है। ठीक है, सिंपल है, ये जो फोर्स है हमने इसी डायरेक्शन में दे दिया जिसमें यू था। ठीक है, तो हमने इसी डायरेक्शन में स्पीड वी हो गई। अब मैं आपसे पूछूं, मुझे बोलो वर्क डन किसके बराबर है। ठीक है, इस फोर्स ने कितना वर्क डन किया, आप क्या बोलोगे, यहां वर्क डन जो है डब्ल्यू वो तो होता है हमारा एफ इंटू एस। ठीक, एफ इंटू एस कब होता है, जब सेम डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हो। सपोज यहां से इसने जो है डिस्टेंस ट्रेवल की कितनी, एस। देखो क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट था, हमने उसको नोट किया यहाँ पे, ठीक है, उसकी स्पीड थी यू और मास था एम, हमने उसे फोर्स अप्लाई किया, उसकी स्पीड हो गई वी, लेकिन कब, जब तक, तब तक इसने डिस्टेंस ट्रेवल की थी एस। ठीक है,
हमने एक ऑब्जेक्ट को देखा, उसकी स्पीड यू थी, हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया, उसकी स्पीड हो गई वी, कब, जब उसने एस डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि हमने कितना वर्क डन किया उस पर, कितना वर्क डन उस पर हमने किया, कितना वर्क डन किया हमने, कितना फोर्स अप्लाई किया एंड उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक है, हाँ, तो मुझे बोलो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। अगर आपको इक्वेशन याद होगी कौन सी वाली, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये वाली इक्वेशन अगर आपको याद होगी तो यहां पे हम s निकाल सकते हैं, क्यों, v भी पता है, u भी पता है, a भी पता है एंड 2 तो जो कौन सा तो पता ही है। यहां पे s आएगा किसके बराबर आएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। एस आ गया हमें, ठीक है, एस आ गया, हाँ हमें मास पता है m है। ठीक है जी, यहां पर डाल के हम वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन किसके बराबर आएगा, एफ किसके बराबर है, एम इंटू ए, ठीक है, इज इक्वल इंटू करेंगे एस के बदले क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। ठीक है, हाँ यहां पे ये a है, ये भी कीजिए एक्सेलरेशन है, तो w किसके बराबर आएगा, 1/2 ये m, ठीक है, और ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये रहा यहां पे जो हमने इस पे वर्क डन किया। तो अगर हम अब इस ऑब्जेक्ट को अलो करेंगे कि ये कोई वर्क करे, ठीक है, तो ये इतने ही वर्क वापस करेगा क्योंकि इस पे इतना वर्क हमने किया था ये काइनेटिक एनर्जी देने के लिए। ये जो हमने इस पे वर्क किया, ठीक है, यही मेजर है उसकी काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, यही मेजर है इसकी काइनेटिक एनर्जी का। द ऑब्जेक्ट, हम मानते हैं कि ऑब्जेक्ट कब स्टार्ट हुआ, जैसे हम मान लेंगे कोई सिचुएशन है कि ऑब्जेक्ट हमारे हाथ में था, उसकी कोई भी वेलोसिटी नहीं थी इनिशियली, ठीक है, हमने उसको फोर्स दिया और उसकी वेलोसिटी वी करवा ली एस डिस्टेंस ट्रैवल करके, तो क्या होगा, ये जीरो चला जाएगा। ठीक है, तो अब जो होगा आपका वर्क डन जो है, वर्क डन किसके बराबर आएगा, 1/2 एम वी स्क्वायर। ये रही आपकी फॉर्मूला, कब की फॉर्मूला, जब यू जीरो होगा एंड आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया, उसकी वेलोसिटी जीरो से वी कर दी जब उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया था एस, तो आपका वर्क डन आएगा 1/2 एम वी स्क्वायर, क्या 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है, 1/2 है यहां पे, ये 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो यू को यहां पे जीरो कर सकते हैं, यू को जीरो किया तो आपको यू या आएगा वर्क डन आएगा 1/2 एम वी स्क्वायर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी वी है, मुझे बोलो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो सिंपल है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये रहा आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल है, कोई डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, कोई भी डिफिकल्ट ये इक्वेशन नहीं है, 1/2 एम वी स्क्वायर से हम डिनोट करते हैं काइनेटिक एनर्जी को। कैसे फॉर्मूला आ गई, ये रहे आपके सामने उसका सारा। आपको क्या करना है, जल्दी से नोट करो क्या लिखा है, कैसे हुआ, जल्दी से समझने की कोशिश, जल्दी से। ठीक है, आई थिंक हो गया होगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करो। ठीक है, रब करना। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, देखेंगे कि क्या समझ में, क्या हमने समझ लिया है काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे टेक्स्ट में दिए हैं। पहला इंडेक्स क्वेश्चन है 11.3 वाला क्वेश्चन करेंगे पहले। 11.3 क्वेश्चन में क्या दिया है, An object of mass 15 kg is moving with uniform velocity of 4 meter per second. What is the energy possessed by the object? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, सिंपल सा आंसर इसका आएगा क्या, एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी होगी क्यों, मास 15 kg है एंड वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड। हमें बोला गया है कि मुझे बोलो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसने बोला एनर्जी कौन प्रोड्यूस करेगा, सिंपल बात है, जब इसकी वेलोसिटी है, जब इसकी मोशन है, तो ये काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस, उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी, 1/2 एम है 15 इंटू 4 स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आएगा, 1/2 15 इंटू 16 2 1 2 8 15 इंटू 8 120, सिंपल है 120 जूल। ठीक है, 120 जूल काइनेटिक एनर्जी है इस ऑब्जेक्ट में,
जिसका मास 15 केजी है एंड वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करो जल्दी से। तो हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है रब करते हैं जल्दी से, जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है तो चलो ठीक है इसको भी रब करते हैं। अब कहते हैं क्वेश्चन पता है हमें, क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट वाला, व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इफ द मास ऑफ द कार इज 1500। ठीक है 13 क्या है 11.4। ठीक है क्या करना है आपको, मास जो है वो किसके बराबर है 1500 केजी। ठीक यू कितना है, यू है आपको 30 किलोमीटर पर आवर एंड वी है 60 किलोमीटर पर आवर। आपको बोला कितना वर्क डन मुझे चाहिए, अगर मुझे यहां से इसको यहां ले जाना है, ठीक है ये स्पीड से इस स्पीड तक ले जाना है, सिंपल है। पहले इनको हम करेंगे डिवाइड, ठीक हम देखेंगे वेलोसिटी क्या आ जाएगी। यू को अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है तो वही आएगा 30 × 1000 / 3600। किसके बराबर आएगा वो 25/3। ठीक है सिंपल है, 25/3 आएगा क्या मीटर पर सेकंड। इसको करेंगे क्या आएगा 60 × 1000 / 3600। ये तो खत्म हो जाएंगे, 6 × 1 = 6, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 100/6। तो इसको हम कर सकते हैं, तो इसको लिखते हैं 50/3, ठीक है मीटर पर सेकेंड। ये रहा आपका, अब क्या करना है यार, काइनेटिक एनर्जी जो इसमें लगेगी, जो इसमें वर्क डन लगेगा वो उसको काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी से निकालेंगे फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी की यूज करेंगे तो यहां पर वर्क डन आएगा, सिंपल फॉर्मूला है वही। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, ई काइनेटिक किसके बराबर है 1/2 m v² - u², ये तो हमने पढ़ा था, ठीक 1/2 × 1500 यहां पे आप लिख लो 50/3 का होल स्क्वायर माइनस 25/3 का होल स्क्वायर। ठीक है सिंपल है, ये वन वे है करने का, ये अलग अलग करके पहले निकालो, पहले क्या कहने की एनर्जी थी फिर बाद में क्या थी, फिर दोनों को माइनस करो। ठीक है तो ये आपको यहां पे आ जाएगा 1562 50 जूल। ठीक है ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है काइनेटिक एनर्जी जो यहां पे है, काइनेटिक एनर्जी यही इक्वल है वर्क डन की, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है इक्वल टू वर्क डन। तो यहां पे जब आप ये सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा आंसर 1562 50 जूल, मतलब इतनी एनर्जी, इतनी जूल एनर्जी हमें लगेंगे इस ऑब्जेक्टिव को यहां से इस वेलोसिटी देने के लिए। ठीक है जल्दी से नोट करो इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करो जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लास्ट वाला, ठीक है जल्दी से ये हो गया तो हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिंपल है, इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं बना है जिसके लिए ज्यादा मेहनत चाहिए। हाँ तो इंडेक्स क्वेश्चन दिए गए हैं ब्लू कलर से, क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ उम्मीद बताया गया है वो करेंगे सॉल्व। क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड इज 25 जूल। काइनेटिक एनर्जी जो है, ठीक है ई काइनेटिक वो कितना है 25 जूल है, किसका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ऑब्जेक्ट विथ मास जो है इसका एम है एंड क्या है इसका एंड वी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है सिंपल है, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इंक्रीज बाय 3 टाइम्स। अगर आपने वेलोसिटी को 10 किया एंड वेलोसिटी को 15 किया, मुझे बोलो काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा। ठीक है ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है यहां पे सिंपल है यार, वेलोसिटी पे डिपेंड कैसे करती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है इज इक्वल टू 1/2 m v² m कांस्टेंट है 1/2 कांस्टेंट है तो ये डिपेंड करेगा वी स्क्वायर पे। ठीक है अगर आपके पास पहले 5 वेलोसिटी, आपके पास 25 है, 25 इज प्रोपोर्शनल टू 5। ठीक है यहां पे अगर 25 जो है ये प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के, क्या है वी स्क्वायर के, ठीक ऐसे निकाल सकते हो ये स्क्वायर करके प्रोपोर्शनलिटी कंपेयर करके, आपके लिए थोड़ा सा टफ होगा ये, बेटर है यहां पे आप निकालो 25 = 1/2 m × 25। ठीक है क्यों 25 क्यों वी स्क्वायर 5 × 5 = 25 ये कट जाएगा तो m आपका आएगा 2, m 2 आ गया इसमें डाल दो, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी 1/2 m है 2 × 10 2। ठीक है तो वो आएगा आपका 100, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा काइनेटिक एनर्जी थर्ड केस में आएगी 1/2 2 ×
225 मतलब 15 स्क्वायर, ठीक है। तो 22 का 225, ये मैं क्या बोल रहा था आपको पहले, 25 है तो उसका 4 टाइम्स हो जाएगा, इसका 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, सॉरी इसका 4 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर आ गया 1/2 mv², ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे आप जानते हो किससे, प्रोपोर्शनलिटी से, अगर काइनेटिक एनर्जी जो है वो है प्रोपोर्शनल किसके, वी स्क्वायर के, मतलब अगर हम इसको कॉन्स्टेंट लेते हैं तो ये सब में कट जाएगा, रेशियो में आपको आ जाएगा 1:4, ठीक है, वो एक मेथड है। दूसरा मेथड ये है, यहां से जाएंगे आप तो ये आपके लिए सिंपल रहेगा क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स है तो 225 आ जाएगा, 4 टाइम्स होता तो आपका आ जाता 400, ठीक है, 4 टाइम्स हो जाता तो ये भी 4 टाइम्स चला जाता, सिंपल है क्योंकि स्क्वायर है बीच में, ठीक है। अगर तुम्हारे पास 25 है, ठीक है, और वेलोसिटी 3 टाइम्स हो जाएगी तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 25 को कंसिडर करोगे तो आपको ये दिखेगा ये 9 टाइम्स है क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, 3 × 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 3 टाइम्स है तो 9 हो जाएगा, तो ये इसका 9 टाइम्स है, ये जो है यहाँ पे इसका 4 टाइम्स है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ट्वाइस हो गया, सिंपल है। वहां से थोड़ा सा टफ लगेगा अगर प्रोपोर्शनल से जाओगे, ये वाला बेटर ऑप्शन है आपके लिए, मैथ निकालो, मैथ को यूज करके वहां पे काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, ठीक है, हो गया आज का लेक्चर, मुझे लगता है आज के लेक्चर में इतना एनफ है। होप करता हूं कि आपने किसी टॉपिक्स को समझा होगा, कंसेप्ट आपने क्लियर किए होंगे, बाकी वही है कि वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक का बटन भी दबा देना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख देना है, अगर आप अच्छा कमेंट नहीं लिख सकते तो बुरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अच्छी अगर आप चाहते हो और कोई इम्प्रूवमेंट हो वो आप बता सकते हैं, बाकी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम टेलीग्राम यूट्यूब पे तो है ही है, ठीक है, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।